जो मिस्टेक्स मैंने की थी इंडिया से कनाडा आते वक्त, इमिग्रेशन रॉ की वजह से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एजेंट ने मुझे जो भी सजेस्ट किया वो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो किया था। वहीं से जो सोचते हैं यहाँ पर आके ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर यहाँ पर आके इतना, एक तो 21-22 लाख रुपये खर्चा करके आओ और यहाँ पर आके ऐसा कोर्स करो, तो आपको दो ही चीज़ काम लगने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो आ गया मैं फिर से एक बार, नई वीडियो, नई शुरुआत और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार वेदर की शुरू बात कर लेता हूँ। आज का वेदर है +1, फील्स लाइक -4 एंड हवा थोड़ी ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वैसे हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, जो मिस्टेक्स मैंने की थी इंडिया से कनाडा आते वक्त, जैसे कि कोर्स सिलेक्शन के अंदर मैंने मिस्टेक की थी, क्योंकि दिमाग के अंदर वही होता है कि यार बस कैसे भी करके कनाडा निकल जाना है, लेकिन कनाडा जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो जो स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से जॉब मार्केट है कि नहीं, अपने को जॉब मिलेगी तो उसका पैकेज का रेंज कितना है, PR कैसे लेंगे। तो बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैंने की है कोर्स सिलेक्शन के वक्त, क्योंकि तो ये जो सारे मिस्टेक्स है वो बाकी स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी बल्क के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी खासी काउंट के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स ना करें। और अभी तो चलो खैर, इमिग्रेशन रॉ की वजह से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और बहुत सारे चेंजेस शायद जल्दी ही अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आके आप कहीं ऐसी कोर्स ना ले लो कि जिसके अंदर आपका फ्यूचर ही ना हो, या तो फिर कोई आपको जॉब ही ना मिले, ऐसे कोई चीज़ों में ना फंस जाओ, इसके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा, ताकि मेरे से तो भूल हो गई, मैं तो यहाँ पर आ गया, चलो स्टडी ख़त्म हो गया, लेकिन आगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आने के लिए सोच रहे वो ये मिस्टेक्स ना करें, उसके लिए भी स्पेशली वीडियो है। ओके, तो अभी कब से बाहर खड़ा हूँ तो ठंड थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो ठंड लग रही है। ओके, सो सबसे पहले जब मैंने सोचा कि अभी मैं कनाडा का वीज़ा लगवाता हूँ, तो मैंने जब कंसल्टिंग चालू किया, तो एजेंट ने मुझे जो भी सजेस्ट किया वो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो किया था, जो मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जो भी एजेंट बोलता है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, आपको भी आपका थोड़ा बहुत इनपुट देना पड़ेगा। मुझे बिजनेस का कोर्स चाहिए था, लेकिन बिजनेस का कोर्स के अंदर भी कौन सा पर्टिकुलर आपको स्किल सेट चाहिए उसके ऊपर भी मैंने काम नहीं किया था, कौन से कॉलेज के अंदर जाना है वो भी मैंने काम नहीं किया था, यहाँ पर आके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी मेरे कोर्स के बाद वो भी मुझे पता नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मैंने मिस्टेक की थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आके स्टडी करना और वहाँ से सोच के यहाँ पर आना, इंडिया से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर आके कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी करके फाड़ तोड़ देंगे, जॉब अच्छी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा देंगे, या तो फिर कुछ भी XYZ। वहीं से जो सोचते हैं यहाँ पर आके, ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर आप यही मेंटालिटी के साथ आते हैं कि यहाँ पर आके देख लेंगे, फूड लेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये प्लीज़ मेंटालिटी आप थोड़ा काम कीजिए, वहाँ से थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। एजेंट जो भी बोल रहा है उसके ऊपर सब कुछ भरोसा नहीं करना है, आपको अपना इनपुट देना है। कॉलेज अगर दे रहा है कोई एजेंट, तो आप देखिए कॉलेज के रिव्यूज़ कैसे है, कॉलेज कहाँ पर स्टैंड करती है, वो अगर आपको कोर्स सजेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोर्स के अंदर आपको क्या सीखने मिलता है, कोई पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि नहीं वो देखिए, जॉब मार्केट कैसा है वो देखिए, कोई ना कोई, अभी कनाडा इतना ग्रो करा, इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर है कि नहीं वो आप देखिए, अगर आपका कोई मान लीजिए कॉन्टैक्ट नहीं है आप, तो किसी ना किसी तरह से रेफरेंस निकालिए और कहीं ना कहीं से बात कीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प कर देगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ की जाननी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने मिस्टेक की थी तो आप मत कीजिए, आगे मैं बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो आप स्टडी तो ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो स्टडी ऐसी होगी कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर कोई भी एक चीज़ के अंदर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि आपको एक जेनेरिक कोर्स दिखाया जाता है और उसी के अंदर एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो आप ऐसे कोर्सेज सिलेक्ट कीजिए, या तो फिर अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, जिसके अंदर आपका स्किल सेट ज़्यादा बैठ रहा है, जिसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप ये ज़्यादा सीख पाएंगे और आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स लेते हैं तो इसके अंदर आपका भी इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, और आप अगर यहाँ पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ काम कीजिए, या तो फिर कोई और एक्सपीरियंस डाले, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मिस्टेक जो है वो तो मैंने कर दी, लेकिन ये चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यार यहाँ पर आके इतना, एक तो 21-22 लाख रुपए खर्चा करके आओ और यहाँ पर आके ऐसा कोर्स करो जिसके अंदर आपको कोई प्रॉपर स्किल सेट ही नहीं सिखाया जा रहा, और आपको थोड़ी बहुत जेनरिक चीज़ें सिखाई जा रही है हर एक सब्जेक्ट्स की, तो उसके अंदर इतना फ़ायदा नहीं है आपका।
जैसे कि मेरा कोर्स था ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पहला साल का, जो मैं इंडिया से लेके आया था, और यहाँ पर आके मैंने लिया ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर एक मेरा भी फायदा था। मैं उस वक्त देख रहा था कि हाँ भाई चलो 1+1 का कोर्स है, तो मेरे पास दो अलग अलग कोर्सेज है, तो मुझे दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। लेकिन ये एकदम गलत मेंटालिटी है, गलत सोच है, क्योंकि दोनों कोर्स है वो मैंने देखा ही नहीं था कि उसके अंदर क्या सिखाया जाता है, फोकस पर्टिकुलरली कहाँ पर हो रहा है, कौन से स्किल सेट के ऊपर आपको वो लोग काम करेंगे, और यहाँ पर आके उसकी जॉब मार्केट कैसी है, कितना पैकेज आपको स्टार्टिंग में लग सकता है, कुछ भी नहीं किया था। और जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बोलूँ कि एकदम थोड़ा 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 करके सब जगह पे सिखाया गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग के अंदर जाए और यहाँ पर आप जाके कुछ स्किल डेवलप कर सके। तो एकदम सा जेनरिक सा कोर्स था। और एक दूसरा कोर्स मैंने लिया था ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सेम चीज़ थी। इसके ऊपर से मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो तो मेरा क्रेडिट ही ट्रांसफ़र हो गया था। तो मतलब आप सोचिए, अच्छी बात है, मेरी फीस से हुई थी, मेरे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गए थे, मेरे 6 महीने बच गए, लेकिन मेरे को सीखने को क्या मिला? मेरे को सीखने को इतना कुछ नहीं मिला है। तो ये जो मैं ऐसा किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचे कि जैसे कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कोई और बिजनेस मैनेजमेंट, या तो फिर कोई IT सेक्टर के कोई कोर्सेज होंगे जो ऐसा जेनरिक है, तो आप वो प्लीज़ मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आके जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है, ग्राउंड रियलिटी टोटली अलग है। आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपके 2 साल आप जो सोच के आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अर्न करेंगे, अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा, तो अगर आप ठीक स्किल सेट कोई सीख भी नहीं रहे हैं तो आपको काम भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको चाहिए होगा स्किल। आप ऑनलाइन देख रहे होंगे कि अभी के जॉब मार्केट की बात करें कैनेडा के अंदर, तो आपको 2 ही चीज़ काम लगने वाली है। पहला तो है आपका स्किल सेट, क्योंकि आई नो मैंने बहुत बार स्किल सेट वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि अगर आपके पास यहाँ पर स्किल नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसके अंदर आपको जॉब नहीं लगेगी। वो रियलिटी है, वो फैक्ट है, वो समझ लीजिए आप। और सेकंड चीज़ है कि आपका जुगाड़ यानी कि रेफरेंस, अगर आपका कोई रेफरेंस स्ट्रांग नहीं है तो आपको जॉब लगने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर मान लीजिए कि दोनों चीज़ें हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 6 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे बैकअप के अंदर, मेरे फैमिली मेम्बर के अंदर कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इतने रेफरेंसेज नहीं होंगे। है रेफरेंसेज, लेकिन वो फ्रेंड्स है, तो ऑफकोर्स वो लोग मुझे प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि क्यों देंगे, क्योंकि अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो नज़दीक के फ्रेंड्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए, या तो फिर यहाँ पर आके जैसे सब लोग कर रहे हैं कि मतलब कोई ना कोई जॉब ढूंढ लीजिए PR का, अगर सिक्योर करना आते आप, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। लेकिन जो जॉब रियलिटी है वो यही है सब जगह पे, आपको पता है। आई नो बहुत सारे लोग अफेंड भी हो जाएंगे कि हमको तो मिल गई, या तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जॉब नहीं है तो हम लोग क्यों आ रहे हैं वहां पर, लेकिन जो है वो है, उसके अंदर डिनाई नहीं कर सकते। अभी IRCC ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत स्टेप्स लिए हैं जिससे वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आइए अगर आ रहे हैं तो। उसके लिए मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूट, या फिर अभी तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि LinkedIn हो गई, Google हो गया, या तो फिर Udemy हो गई, या तो फिर जो भी वेबसाइट से, या तो फिर कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म से आप कंफर्टेबल है, ट्रस्टेड आपको लगता है, वहाँ से आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी कोर्सेज कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बोलेगा वो एजुकेशन नहीं बोलेगा, वो आपका स्किल सेट्स एंड आपका सर्टिफिकेशन बोलेगा। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ तो वो आप डालिए, तो वो भी आपकी स्किल होगी, आपका नॉलेज हो गया, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम लगेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पर आके वही जॉब ढूंढूंगा, तो नहीं, रियलिटी अलग है। मैंने भी वो ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो है, आप सर्टिफिकेशन के ऊपर काम कीजिए, आप सीखिए, कुछ ना कुछ LinkedIn के ऊपर एक्टिव रहिए, रेफरेंसेस बनाने का ट्राई कीजिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसी अच्छी खासी रील्स डालते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, वो आप ट्राई कर दीजिए, तब जाके ताकि आपके चांसेस जो है जॉब पाने के, या तो फिर कोई रेफरेंसेस बनाने के, स्ट्रॉन्ग बनाने के, वो आपको इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ बहुत सारी ऑनलाइन मीटअप्स होती रहती है, वेबिनार्स होते हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी होता है स्पेशली जस्ट फॉर द इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब। तो बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर से आप ये चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी यूज में आएगा और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है अभी। ओके, सो
बाकी चीज़ ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो जब भी आपको काउंसिलर से या फिर एजेंट से बात हो जाती है कि हाँ ये कोर्सेज पे जाना है मुझे, तो आप उन्हीं से पूछिए कि आप किसी का रेफरेंस दीजिए जो आपके स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने भेजे हुए, ताकि आप डायरेक्टली बात कर सके किसी स्टूडेंट से, या तो फिर कोई रेफरेंस मिले, एक्चुअल सिनेरियो यहाँ पर पता चले। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि चलो आपने भी देखा कि हाँ भाई चलो कोर्स अच्छा है, मार्केट का डिमांड अच्छा है, बट एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कोर्स कर चुका है, तो वो क्या बोल रहा है उसके एक्चुअल रिव्यू देखिए, क्योंकि आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ के नहीं जा सकते, उसके ऊपर अभी तो भरोसा करना भी बेकार है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेक होगा या तो फिर कुछ और होगा उल्टा पुल्टा, ये मत सोचिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वाला एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा पता चलेगा। एक रेफरेंस मिलेगा, बाकी चार रेफरेंस अपने आप ही मिल जाएंगे, आप उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके आपको कॉन्टैक्ट निकल जाएंगे, तो वो आप एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अगर कोई भी फील्ड चूज़ करके आते हैं, कोई भी कोर्स चूज़ करके आते हैं, अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि वो कोर्स ही बेकार है या फिर आपका साल बर्बाद जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ों पे फोकस कराएगा थोड़ा थोड़ा वो भी, तो बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस हो, ऐसा कुछ कोर्स लेके आइए और इंडिया से ही आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ पे चलो ये कोर्स ख़त्म करने के बाद मुझे यही फील्ड के अंदर पर्टिकुलर आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपको PR का गोल है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी जॉब मिलेगी तो इसके बाद इतने इतने चांसेस है मेरे PR के, या तो फिर इतने स्ट्रीम्स के अंदर मैं एलिजिबल होऊंगा, तो आप अगर आपका एक पाथ बना के आते हैं तो आपका जो गोल है वो आपका क्लियर रहेगा कि हाँ भाई चलो उल्टा पुल्टा नहीं घूमना पड़ेगा। जैसे कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट में हूँ तो मैं एडमिंस में भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं HR में भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई सप्लाई चेन में भी अप्लाई कर रहा हूँ, और हॉस्पिटैलिटी में भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारी फील्ड मेरे लिए ओपन है, लेकिन वो ओपन इसके लिए है क्योंकि मेरे को जो भी नॉलेज मिला है वो थोड़ा थोड़ा मिला है, तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे जो चांसेस है जॉब के वो थोड़े बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, अनलेस कि मेरे पास अच्छा खासा तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं है या तो फिर अच्छा खासा मेरा रेफरेंस नहीं है। तो अगर आप पर्टिकुलरली मान लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं तो आपका जो फोकस रहेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा, उसके सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, उसकी मेथडोलॉजी रहेगी, वो उसके अंदर कैसे काम होता है, कैसे शेयर होल्डर्स या फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डील करना होता है, वो सब चीज़ें रहेगी। तो पर्टिकुलर जो फोकस रहेगा वो आपका एक डिसाइडेड रहेगा कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ही ऊपर फोकस है, लेकिन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, मैं आपको स्टूडेंट्स से मिलता रहता हूँ कि कोई ना कोई रेफरेंस से मिल जाता है स्टूडेंट्स, या तो फिर किसी का जॉब के लिए फ़ोन आता है या फिर कैसे भी, तो उनसे बात होती है तो मैं पूछता हूँ कि कैसा है कोर्स, आप क्या सीख रहे हो, ऐसा वैसे, तो एक ही चीज़ निकलती है कि यार ठीक है अभी ले लिया, चलो यहाँ पर आना था तो ले लिया कोर्स, और इतना कुछ पर्टिकुलर सिखाया भी नहीं जाता, तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से देखिए और थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए, ताकि आप ऐसा ना आपको ऐसा यहाँ पर आगे रिग्रेट ना हो कि यार ये कोर्स की जगह पे कोई और कोर्स ले लिया था तो ज़्यादा बेटर था। और एक और चीज़ बीच में आ सकती है कि आपकी जो इंडिया के अंदर जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कोर्स के साथ मैच ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर जुगाड़ करके या तो फिर थोड़ा बहुत 6-1 महीना वेट करके अगर आप किसी वो सेम फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ले लेते हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आके ओवरऑल आपका जो बेनिफिट होगा ना वो ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं अभी यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो रेज्यूम है उसके अंदर या तो फिर मेरी प्रोफाइल के अंदर एक सर्टिफिकेशन ऐड हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो एक्चुअली वैल्यूएबल है, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप ऐसा कुछ कोर्स कीजिए, और अगर आप कोई भी कोर्स लेके आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको जॉब मिले ना मिले, या तो फिर आपको कुछ बाद में जाके कोई कोर्स करना पड़े, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर आप मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आते और अगर आप ये सोचते कि जैसे स्टडी ख़त्म हो जाएगा मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है अभी से। ये सब चीज़ें ऐसी है कि आपको मेंटली ब्रेक कर देगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट टाइम के अंदर भी जो जॉब करना होता है 10-15 दिन 6-6 महीने तक मैंने देखा हुआ है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे सबमिट कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो वो जो टाइम होता है ना वो बहुत ही गंदा टाइम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम होता है। तो अगर आपको यहाँ पर आके PR वाली जॉब नहीं मिलती है, जो आपको अगर PR का ही गोल है तो आपको अगर वो जॉब नहीं मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अगर आपका गोल ये है कि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वो सब ऐसी कुछ जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा, तो वह सब ना हो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करके आइए। और
आप अगर पहले से यहाँ पर है तो कुछ डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। साइड बाय साइड अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या तो फिर फुल टाइम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा निकाल के अगर आप फिर से अभी भी आपके पास टाइम है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करें, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। जब तक आपका स्टडी खत्म हो जाएगा तब तक आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एट द एंड मैं आपको कंक्लूजन के अंदर यही बोलूंगा कि तो मैंने तो मिस्टेक कर ली है, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा कि यार थोड़ा बहुत देख लिया होता तो ज़्यादा बेटर हो जाता, मुझे गाइडेंस नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। लेकिन अभी तो चलो बहुत ही आगे हो गया ज़माना, टेक्नोलॉजी AI कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में यहाँ पर आना है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई ये पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों के ऊपर ये जो चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम अगर वो करे तो उनके लिए ही बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ तो शायद कोई और भी फेस कर सकता है, तो वो ना हो इसके लिए एक अवेयरनेस वीडियो था। तो ऐसा कुछ डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मुझे इसी से मिलता है। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।